आज 2 फरवरी है, आंदोलन किस करवट बैठेगा ये अब तक साफ नहीं हो रहा है, लेकिन किलेबंदी की जा रही है और एक लगातार मीडिया के जरिए कोशिश हो रही है। मीडिया को एक गुप्त सूत्रों ने बताया कि एडवाइजरी जारी हुई कि राकेश टिकैत की कोई खबर नहीं चलेगी। दूसरा, बॉर्डर के चारों तरफ जो किलाबंदी हुई है वहाँ पत्रकार जा रहे हैं जो चैनल के, और वो लोगों को कह रहे हैं कि क्या आपको परेशानी हो रही है, तो क्या ये साजिश है लोगों के, किसानों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने की, और किसान नेता राकेश टिकैत इस पर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या राय है? सर, जिस तरह से किलाबंदी की गई, अभी भी हम लोग फेंसिंग देख रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मंशा लगती है सरकार की? वो ये है कि पब्लिक को दुखी करो, और जब पब्लिक दुखी होगी इनसे नाराज़ होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज तो ये किलाबंदी करी है, जो अनाज है उसके चारों तरफ भी इसी तरह की किलेबंदी होगी, तारबंदी। अनाज गोदामों में जब बंद हो जाएगा तो किलाबंदी होगी, तो पूरी जनता समझ की चाल क्या होने वाला है, रोटी तारबंदी के अंदर जाएगी। या अब तो बजट सब कुछ साफ हो गया है, सारी सरकारी कंपनियों को लगभग तय किया गया कि बेचेंगे। आपके आंदोलन से जुड़ा सवाल है, FCI को लगभग तय कर दिया गया कि बेचेंगे, जन वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगी, PDS सिस्टम जब अनाज ही नहीं सरकार खरीदेगी, MSP में 2000 करोड़ का बजट था पिछले बार, इस बार 1500 करोड़ का बजट है, तो ये सब मैसेज आप लोग कैसे कन्वे करेंगे आम पब्लिक को, आम जनता को? आम पब्लिक का ये तो जो 2 रुपये वाला अनाज था वो तो वोट के लिए था, खत्म होगा, वो बाजार भाव पाएगा। जैसे गैस का सिलेंडर हुआ ऐसे ही अनाज आएगा, गरीब सिर्फ रोटी तक महतूत होगा कि उसको 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी, सब खत्म होगा, उसको उठ जाना चाहिए। अब क्या लग रहा है, आम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आपको, क्या रिस्पांस मिला है? चूंकि पूरे देश में पंचायत हो रही है, समर्थन सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन यहाँ लोग आ नहीं पा रहे हैं, इंटरनेट कट है, तो खबरें कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, और TV चैनल को स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है कि राकेश टिकैत और किसान आंदोलन के बारे में गड़बड़ खबरें दिखा सकते हैं, अच्छी खबरें नहीं चलनी चाहिए। वे हमारे वाले जो भी दिखाएंगे, हमने कह रखा है कि उसका उल्टा मानना, वे जो गलत दिखावे तो उसको सही मानना, ये बता दिया हमने। लेकिन इसको कैसे निपटेंगे, जो पब्लिक को खड़ा कराया जा रहा है, मीडिया चैनल्स खड़ा होकर 10 लोगों को खड़ा करा के, और वो किसानों पर जिस तरह से बोल रहे हैं कि वीडियो सब वायरल हो रहे हैं कि किसान गलत कर रहे हैं, आंदोलन गलत है, और वो चुनिंदा लोग हैं, लेकिन वो मीडिया पर देश को दिख रहा है, तो दिखा दो, सब जानते हैं, वे भी जानते हैं, जो किसान को खराब और गद्दार कहेगा वो सब जानती है जनता के कौन लोग हैं। 6 फरवरी को जो संसद मार्च का जो फैसला था वो आप लोगों ने विड्रॉ किया, जो 2 फरवरी का था संसद मार्च वो विड्रॉ हुआ, 6 फरवरी को चक्का जाम है, उसकी क्या रूपरेखा होगी, लोग अपने अपने शहरों में करेंगे या एकजुट होंगे कहीं? नहीं, एकजुट नहीं, वो शहरों में ही वहीं करते हैं, तो उसके माध्यम से ज्ञापन चला जाता है सरकार को, ये होता है, उसको इकट्ठे लोग होते हैं, सरकार अधिकारी आते हैं, तो उसको ज्ञापन चल जाता है कि जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करो, कुछ लोकल की डिमांड रहती है अब अपने स्टेट की, जिलों की, तो वो सब इकट्ठा होकर चले जाते हैं। आज संसद की दोनों सदनों में हंगामा हुआ है, सदन रद्द हो गया, नहीं चल रहा है, क्या उम्मीद है आपको संसद से, कोई उम्मीद है, क्योंकि विपक्षी नेता तो आपके साथ अब दिख रहे हैं? अब पता नहीं, मैं तो ना TV देखता, ना अखबार पढ़ता, ना व्हाट्सएप चलाता, ना फ़ोन सुनता, ना मेरे पे फ़ोन है। आप किसान नेता हैं, बड़े नेता हैं, पूरा आंदोलन आप लोगों के कंधों पर है, तो अपडेट तो रखनी पड़ेगी ना कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि कानून तो वहीं से बना है। बता देगा कोई फ़ोन पर क्या हुआ? विपक्षी नेता मार्च करने वाले हैं, जो जहां सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से किले लगाई गई है और परमानेंट जिस तरह से बॉर्डर ब्लॉक किया गया है, विपक्ष के सारे सांसद वहां तक मार्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। चलो ठीक है, कर रहे, करना चाहो, और क्या, वे क्या काम करेंगे, ठल्ली तो है, कुछ तो हाथ पाँव हिलाना चाहो उन्हें भी। लोग कह रहे हैं कि अमित शाह का करेक्टर रहा है, मोदी का करेक्टर रहा है, उन्होंने किसी के सामने घुटने नहीं टेके हैं, वो कभी कोई आंदोलन के हिसाब से नहीं चलते, तो क्या लग रहा है ये सरकार ने प्रेस्टीज इशू बना लिया है? ना, मेरे नॉलेज में तो कुछ है नहीं। किसानों के लिए ये सम्मान का इशू है, प्रेस्टीज इशू हो गया है, उसकी तो रोटी का सवाल है, रोटी बंद होने जा रही है, उसके भाव का सवाल है, आधे रेट में फसल बिक रही है, तो देश आपके साथ है, किसान आपके साथ है, पूरा अपोजिशन आपके साथ है, उसके बाद भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तो क्या वजह लग रही है? तो मैं क्या कहीं घर जा लिया, या किसान आंदोलन वाले घर जा लिए, यही तो है, अक्टूबर की जब तो तारीख थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, उसको क्या देखा जाए, क्या
कुछ लोग इसको एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि सिंघू बॉर्डर पर वाल्मीकि पंजाब में चूंकि दलित वर्सेज सिख करने की कोशिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की खबरें चलाई जा रही है कि सिर्फ जाटों का आंदोलन है। उस यहाँ तो मुझे जाट कोई सा दिख नहीं रहा, यहाँ तो सारे हैं, इन्हें चला लेने दो। पहले ये खालिस्तान नहीं बताते थे, फिर ये अफगानिस्तान नहीं बताते थे, फिर ये पंजाब का बताते थे, अब ये जाट का बता रहे। पता नहीं क्या क्या बताओगे, जब तक ये सीधे राह पर नहीं आवेंगे, जब तक रास्ता नहीं बैठे। आंदोलन में भी के खिलाफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पहले होता था कि आंदोलन होती थी, लोग सपोर्ट करते थे, विरोध नहीं करता था कोई, अगर सपोर्ट नहीं करता तो विरोध नहीं करता था। जिस तरह से बीजेपी विधायक हैं, वो जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इस तरह से पत्थरबाजी हुई है, तो क्या लग रहा है बीजेपी इसको अपना पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी इसका विरोध करे, उसे कैसे देख रहे हैं आप? ना कुछ लोग यहाँ सामान भी भिजवा, जो विधायक विरोध कर रहा उसने 25 बोरी आलू भी भिजवाया था, चीनी भी भिजवाई उसने, कम्बल भी भिजवाए, अब वो क्यों वो कर रहा अब वो बात समझ में नहीं। उसे जनता देखेगी भाई, उसके समाज के लोग देखेंगे। ठीक है साहब, आप गाजियाबाद में हैं, ये गाजियाबाद विधानसभा में आता है, लेकिन लोनी के विधायक उनका नाम के लास्ट में गुर्जर लगता है, और दिल्ली में और इन इलाकों में गुर्जरों की संख्या बहुत है और वो किसान जातियाँ हैं, इसके पीछे कोई खेल समझ में आ रहा है कि लोनी के विधायक गुर्जर को ही क्यों भेजा गया है यहाँ? पता नहीं, हम ज़्यादा जातियों को मैं जैसे सिस्टम का पता ना, मुझे मैं जातियों पर काम करता ना, मुझे पता, मैं तो विधायक को है कि विधायक है और किसी जाति पर उस पर कॉमेंट। लेकिन लोग जो जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि इसको जाट वर्सेज गुर्जर करने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि बीजेपी इस तरह से करती रही है, जाट वर्सेज नॉन जाट, दलित वर्सेज नॉन दलित। यहाँ तो नहीं कोई इस तरह का है, यहाँ तो सारे लोग हैं। तो ये अभी जो आप लोग की एक एक ये भी कह रहा है कि जो पूरा आंदोलन है वो मीडिया चला रही है कि आप सेल्फ सेंट्रिक हो गया है, टिकैत साहब के आसपास सिमट गया है, और टिकैत साहब जो है वो बड़े देश के आज के डेट में सबसे बड़े नेता हो गए, जहां सारे नेता सांसद तमाम पार्टियां जो है मत्था टेक रही है। ना मैं ये कोई नहीं, मैं तो गन्ने का भुगतान है मेरा, मैं तो किसानों की तरह ही हूँ इनके, मेरे भी पर्ची है उस पर भी 00 लिखा हुआ आ रहा, ट्रैक्टर भी, ट्रैक्टर का भी इशू है, वो 52 साल पुराना है ट्रैक्टर, तो हम भी सोच रहे कि सरकार कुछ पॉलिसी ले आवे, बाकी ये जो 10 साल पुराने के ट्रैक्टर है भाई यही बदल दे सरकार, इसी पे कुछ बजट में उम्मीद थी कि पॉलिसी ले कर आवे, 10 साल पुराने ट्रैक्टर बदले जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 6 फरवरी को चक्का जाम है, उसके बाद अगला कोई प्लानिंग हुई है कि उसके बाद फिर तय करेंगे आंदोलन को, इसी तरह से आप लोग सक्रिय रखेंगे? ये तो चलता रहेगा, कैसे कैसे चलेगा तो चलता रहेगा, बात रहेगी तो अक्टूबर तक के प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि आप 2022 जो अगला चुनाव है यूपी में उसमें मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं आप, गठबंधन क्यों प्रचार चलाओ ना, हमारा वो है यहाँ रोटी का सवाल है। मैं तो वही खबरें बता रहा हूँ जो मीडिया चला रही है आपसे, मैं तो आगाह कर रहा हूँ। नहीं आंदोलन तब्दील होगा ना, यहाँ पे कोई वोट तलाश करने आवे, ये रोटी का सवाल है, ये मजबूरी है किसान की, कोई शौक में नहीं आ रहा। देखिए आज के डेट में आप ट्रेंडिंग तो हैं, पूरा देश पूरी दुनिया में राकेश टिकैत को सर्च किया जा रहा है, हम लोग राकेश टिकैत वीडियो के नीचे सिर्फ लिख देते हैं टैग में तो 1-1 मिलियन 10-10 लाख लोग देखते हैं, पूरे देश को बड़ा मैसेज आपके लिए क्या है? अब आखिरी बार मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हो सकता है कल से मैं भी जेल चला जाऊँ, लगातार पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है, आखिरी बार क्या देश की जनता को क्या कहेंगे जो अपने घरों में है, जिसको जो आप जिसको लगता है कि हमें जो अभी तक मन नहीं बना पा रही है, नहीं मन बनाने लगी 10 गुना कीमतें देनी पड़ेगी अट्टेगी ना, मन बनाओ 10 गुने पे आटा बिकेगा, 10 गुने महंगाई होगी, गरीब लोगों में अगर कुछ पैसा है सब खत्म हो जाएगा, खाने में ही सब सिस्टम खत्म होगा, बाजार उस पर चलेगा, किसान भी मरेगा, कंज्यूमर भी मरेगा। राकेश टिकैत हमेशा आश्वासन दे रहे हैं कि वो ऐसे ही जमीन पर मिलेंगे किसानों को, मतलब जब चाहे किसान उनसे मिल सकता है, और क्या मैं कहीं जान लग रहा, नहीं तो जेल में मिलूंगा, वो काम मिलने लग रहा है। आपको भी लगता है आपको जेल में डाल देगी सरकार? और कौन जाएगा जेल में, जब मुकदमे लगेंगे तो देश का कानून का संविधान तो मानता हूँ, त्याग मरूंगा। 26 जो 28 की शाम हुई उसको जब आप याद करते हैं
तो क्या लगता है, उम्मीद थी कि इस तरह का जनसैलाब, इस तरह का जन समर्थन अपने लोगों से आपको देश से मिलेगा? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, गांव के लोग ही तो बैठा के गए थे यहाँ पे, तो ऐसे ही कोई कब्जा कर लगा पोस्ट पे। ये किसान है, देश का जवान है, अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेगा। पानी का जहाज का जो वो चलाता है, वो जहाज को कूद थोड़ा कूद जाता है कि पब्लिक को मरवा देगा, आपको कूद का भाग गया, ऐसे कैसे हो जाएगा। ये पोस्ट की जिम्मेदारी, यहाँ की जिम्मेदारी दे गए थे गाँव के लोग। अगर वे गांव चले गए तो इसका मतलब कोई पोस्ट पर कब्जा कर लगा, यहीं कोई कब्जा कर लगा पोस्ट पर। ये इतना आत्मबल कहाँ से लाते, इतनी गंभीरता, इतना आत्मबल। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आपसे उल्टा पुल्टा बुलवाया जाए, बहक जाते हैं लोग। पब्लिसिटी मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, बहक जाते हैं लोग। आप कैसे इतना, मतलब ये सब कैसे हैंडल कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो जो सच्चाई है वो बताई गाँव की, मैं कुछ नहीं करता। आपको पता है युवा लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं, सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, सब आपकी लंबी लंबी भाषणें सुनना चाहता है। हाँ तो ठीक ही तो है, ये युवा ही तो चला होगा। जो युवा इस आंदोलन से जुड़ जाएगा वो अपनी जमीन नहीं बेचेगा, उनको आंदोलन से जुड़ना चाहिए। अपने खेत की मिट्टी से अपनी बॉडी को टच करना चाहिए, अपने खेत में नंगे पैर चलना चाहिए। तो जब उसकी बॉडी से उसके मिट्टी का टच हो जाएगा, तो बॉडी कॉन्टैक्ट हो जाएगा उसके जमीन से, तो जमीन नहीं बेचेगा फिर वो। एक आखिरी सवाल टीका साहब की, क्या लगता है कि इस पूरे आंदोलन की जिस तरह से तैयारी, सरकार जिस तरह से तैयारी है, अगर बातचीत का रास्ता खुलता तो इस तरह की फेंसिंग नहीं की जाती, इस तरह की किलेबंदी नहीं की जाती, अब भी आपको उम्मीद है कि सरकार बात करेगी, आप लोग की बात मानेगी? अक्टूबर तक लंबा समय कहे बता रहे। हाँ तो लंबा ही तो बताया, और समय छोटा बतावे, लंबाई तो समय। अक्टूबर की तैयारी कर रहे हैं हम के प्लान, गांव में से लोग कैसे कैसे आएंगे उसकी प्लान कर रहे हैं हम। अच्छा, अभी और लोगों को बुलवाएंगे? आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। भीड़ कम नहीं होगी? भीड़ कम ना हो, मतलब बैलेंसिंग चलेगा, बैलेंसिंग ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। ज़्यादा भी नहीं चाहती क्योंकि व्यवस्था बढ़ाने में इसमें दिक्कत रहती है। निगाह रखे खेत पर भी, निगाह रखे आंदोलन पर भी रखे, कोई चीज हो जाए तो 4 घंटे में आ जाए। संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र है, क्या क्या नेताओं को कुछ कहेंगे जो संसद में अपना कानून हो ऐसा? जो उनका काम है वो काम करे अपना। 10 साल भी चलेगा ये, 10 साल तो देखिए, ये राकेश टिकैत साहब हैं, गंभीर हैं ये आंदोलन को लेकर, और जमीन पर बैठे हुए हैं, बहुत गंभीर हैं। इनका साफ कहना है कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा, और वो इसको लेकर मानसिक रूप से तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार से लड़ना कितना मुश्किल काम है, और सरकार के सामने डटे रहना, जिस तरह से फेंसिंग हो रही है, जिस तरह से किलाबंदी हो रही है, आप कल्पना नहीं कर सकती कि सरकार किस दर्जे हद तक जा सकती है। लेकिन वो किसानों का आंदोलन है जो अभी तक टिका हुआ है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।